ओ भाई साहब कितने डरावनी है ये। आज हम आए थे मासी के पास और थोड़ा बहुत हमने चिल के आपस में बातचीत की है। अभी हम जा रहे हैं दूसरी मासी के घर पे, क्योंकि कल है फंक्शन, वहाँ सारे के सारे आपस में मिलने वाले हैं। तो अभी सारे फेमस मशहूर हस्तियाँ वहाँ पहुँची। ये मेरी फेवरेट भाभी। बस ये तो आपका बड़प्पन है। नहीं नहीं है, बिल्कुल है, इसमें बड़प्पन वाली क्या बात है। अभी जाएंगे हम छोटी मासी के घर, सबसे छोटी मासी के घर, उसके बाद मिलेंगे हम सारे कल। कल कल करेंगे हम पार्टी डांस। अभी आ रहे हैं दीदी, अभी उनके साथ जाएंगे आगे तक, फिर वो भी हमें कल ही मिलेंगे। तो अभी जाएंगे मासी के पास, तो दिखाता हूँ उनका घर भी, उनका भी मस्त है, वो वहाँ से व्यू बहुत अच्छा है, इधर से भी काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। तब जाएंगे हम छोटी मासी के घर पे, और दीदी आ चुके हैं, बाय बाय बड़ी मासी के घर को, चलते छोटी मासी के घर पे। हेलो श्री, गजब बेइज्जती है। श्री बड़ा हो गया, बड़ा तब बड़ा हो गया, शाबाश बेटा। रात रुकी ही ना, अच्छा वैसे हटे ही नहीं, उतारते भी बस, पहचानते भी बस, हर एक जगह। ज्यादा दूर था नहीं, क्या कर रहे हो? ये छोटी मासी जी। प्रोग्राम वो देखो, पहाड़ कितने सही लग रहे हैं भाई, मस्त वाले पहाड़। और ये है इनका घर, छोटी मासी का घर, ये देख सकते हैं आप। और पीछे है बहुत मस्त व्यू, थोड़ा सा कवर हो चुका है इधर झाड़ियों वगैरह से। ये इनका अपना किचन गार्डन है, जो भी चीज़ यूज़ होती है किचन में वो सारा कुछ यहाँ पे है अवेलेबल। तो अपने को मार्केट ज़्यादा जाने की ज़रूरत है नहीं, अपना उठाया काटा और अंदर जाके बना दिया। ये है अभी, नमस्कार कह रहे हैं आप सबको। यहाँ से हम ऊपर आ चुके हैं क्योंकि हम जा रहे हैं थोड़ी सी आगे घूमने। वैसे मैं आपको बताया था कि मैं बचपन से ही व्लॉगिंग कर रहा हूँ, जो मुझे नहीं पता था, इनको भी पता है, कहीं पे भी जाऊँ तो मैं पहले से ही वीडियो बनाना चालू कर देता था। ये अब मेरा नया नहीं है, जब भी मैं आता था यहाँ पे वीडियो बनाते बनाता था, पूछ ले इससे बनाता था कि नहीं। अभी भी बना रहा हूँ, बट ये है कि ये अपलोड हो जाएगी, वो अपलोड नहीं होती थी, और वो कहाँ गया डाटा मुझे खुद नहीं पता। ये पीछे आ रही है मेरी बहन तनु। तनु नमस्ते करो। और वो सामने हमें पहाड़ दिखने शुरू हो चुके हैं, यहाँ से थोड़ा ओपन है तो यहाँ से सही दिखते हैं पहाड़। तो ये है इनकी एक ही दुकान वाली मार्केट। ये था स्कूल, ये भी बन गया, पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था बिल्कुल, मतलब बिल्कुल ही स्टार्टिंग थी। और मेरे पास फ़ोन था नहीं, तो मामू ने मुझे फ़ोन दिया था अपना, उसकी बॉडी मेरे को कहीं मिल नहीं रही थी, तो वो यहाँ बाई चांस यहीं पर ही मिल गई मेरे को, और मैंने बॉडी डलाई और मस्त फ़ोन चलाया। वो दो साल जो सिम अभी यूज़ कर रहा हूँ मैं, तब भी वही सिम यूज़ कर रहा था, अराउंड ये 2010 की है, तो लगा लो फिर कितने साल हो गए। मैथ तो मेरी बहुत अच्छी है, पर इसने बता दिए 12 साल हो गए सिम को, सही चल रहा है। ये भी एक और स्कूल बन चुका है ना, ये वो डिसमेंटल होके बना ना। अभी जा रहे हैं हम यहाँ पे, क्या है भैया? यह बोड़ी, ये एंकरिंग आपको मैं इसकी ना वीडियो डाल दूंगा, बचपन में ये एंकरिंग करता था और मैं वीडियो बनाता था। शुभ अपराह्न, आज मैं आप सभी के समक्ष फिर से आ पहुंचा हूं। पिछली बार थे हम खड़ा नाल में, मींस खाड़ा में, और इस बार हम मंझेड़ा सिंह में। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे पहली मानसून की बारिश है, तो उसके साथ कैसे नाले चले हुए हैं।
खड्डे से भी है, आप देख सकते हैं। यह पानी का प्रॉब्लम बस हो जाए तो धान लग जाएंगे। धान लग जाए सांप भी होते हैं ना यहाँ पे, नहीं अपना यूज ही नहीं करते इसको। तो गाइस ये देख सकते हैं आप पानी वाली, ओ भाई साहब कितनी डरावनी है ये। मेन उसका वो आगे तक है, वो अंधेरे जैसे गोबर नहीं कर रहा है ये, यहाँ पे तो नहीं है ना, आगे बहुत गहरा है। कितना बड़ा ज्यादा है उसका, मतलब जहाँ से निकलता है पानी वो आगे जो अंधेरे। तो गाइस ये देख सकते हैं पहले इसे यूज किया जाता था और ये काफी डरावनी लग रही है ब्रो। ये जो नीचे पत्थर पड़े और ये भी जो मर गए ना उनकी मूर्तियां रखी हुई है। भाई चल मेन बात बाद में बता रहा है, इतनी दूर लेके आ गया। देखिए देखिए इस इंसान को गौर से देखिए ऐसे लोग डरा देते हैं। ये वाला जो पेड़ है बहुत ज्यादा बड़ा पेड़ आप देख ही सकते हो, और सामने हमें दिख रही है खूबसूरती। वो ये हो गया छोटी मासी का घर, वो नानी का घर, और वो दूसरी मासी का घर, बड़ी मासी का घर। इधर बड़ी मासी का घर जहाँ से हम आए हैं, उसके बाद जितनी आगे जाओगे वहाँ हमारा घर मिल ही जाएगा आपको कहीं ना कहीं। यहाँ पे स्कूल भी है गाइस, आपको दिखाने वाला हूँ नज़ारा बहुत ही सुंदर वाला। ये देख रहे हैं और आपको भी दिखाई देता हूँ मैं थोड़ी आगे से। तो यहाँ से हमें सब दिख ही रहा है ऑलमोस्ट, वैसे कैमरा जस्टिस नहीं दे सकता उतने अच्छे से, बट हमारी आंखों को पूरा सुकून मिल रहा है अभी देखने वाला। थोड़ा ये है शाम का टाइम हो गया तो उतना क्लियर नहीं है, बट हाँ सही है देख लो आप भी। तो ये है गाइस नज़ारा, बिल्कुल नीचे प्लेन और ऊपर पहाड़। थोड़ा सा मैं डार्क करता हूँ इसको, तो आपको वेरिएशन दिख रही होगी लाइंस वाली ना, वो सेंटर में शिवलिंग टाइप है, मतलब यहाँ देखो ऐसा लग रहा है जैसे शिवलिंग टाइप है, तो काफ़ी सही लग रहा है यार। हमारे पास तो ये नज़ारा रोज़ देखते हो। अरे धन्यवाद, बड़ी मुश्किल से कोई मेरी फ़ोटो खींचता है 50 रुपये दूंगा राम आपको दिखाता है कुछ। वो देखो आग लगी है जंगल में, हम ऐसे ही चलते हुए आ गए और देखो वहाँ जंगल में दूर आग लगी हुई है, इतना खास अच्छे से दिख नहीं रहा, काफ़ी ज़्यादा आग लगी हुई है। मेरा फेस और पीछे सारा ब्लू ब्लू है, तो यहाँ पे आग खुद भी लगा देते हैं कई बारी, और कभी कभी गर्मी से भी लग जाती है। मौसम बहुत ही प्यारा हो चुका है इस टाइम। मेरे साथ है तनु।